हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। सो अभी हम लोग ओरो मोटर एक्सरसाइज, ओरो मोटर सीरीज कर रहे हैं एंड दिस इज पार्ट 4। फर्स्ट पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था कि ओरो मोटर एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, उसका स्पीच में क्या रोल रहता है और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और कब कब यूज़ करना चाहिए हमें। जो सेकंड पार्ट है, हमने उसमें बेसिक ओरो मोटर मसाजेस एंड एक्सरसाइजेस शेयर की थी कि किस तरह से हमें क्या करना है। दैट वाज बेसिक इंट्रोडक्शन एंड बेसिक स्टेप्स ऑफ ओरो मोटर एक्सरसाइजेस। थर्ड पार्ट में हमने डिस्कस किया कि अगर बच्चे को च्यूइंग, माउथिंग, बाइटिंग की इश्यूज हैं, स्वॉलो करने में इश्यूज हैं, तो हमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेस फॉलो करनी चाहिए, या फिर बच्चे को खाना खाने में इश्यूज हैं कि टेक्टाइल कि वो एक सर्टेन टाइप का खाना खाना चाहता है, वो च्यू नहीं करता है, तो हमें किस तरह की एक्टिविटीज़ करना चाहिए। तो अभी थ्री पार्ट्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, तो उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, यू कैन गो देयर एंड चेक इट आउट। सो दिस इज़ पार्ट 4। पार्ट 4 में अब हमने बात की थी कि ओरो मोटर में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और जिसकी वजह से हम लोग ओरो मोटर फंक्शनिंग करते हैं। फर्स्ट लिप, टेथ, टंग एंड चीक्स। तो उन सब की एक्सरसाइजेज अब मैं इंडिविजुअली आज आपके साथ शेयर करूँगी। टंग एक्सरसाइजेज, टंग एक्सरसाइजेज हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हैं बच्चों के साथ। तो उसका बेनिफिट क्या होगा, जिन बच्चों को ड्रूलिंग का इशू रहता है, राल टपकती रहती है, पानी निकलता रहता है, तो वो इशू में हम लोग टंग एक्सरसाइज करते हैं। आर्टिकुलेशन का प्रॉब्लम है, बच्चे की स्पीच में ब्लर्ड है, वो क्लियर नहीं बोल पा रहा है, र को ल बोल रहा है, ल को ल ख बोल, देर आर सम आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम्स, तो हम लोग टंग एक्सरसाइजेस कराते हैं। और साथ में जिन बच्चों को टंग पे प्रेशर लेने की हैबिट है, वो बच्चे टंग इधर रखते हैं या रहते हैं, जिनको टंग से रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, तो उनके लिए हम लोग ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले एक्टिविटीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेस हैं। नंबर वन इज अप डाउन लेफ्ट राइट, बच्चे से अप डाउन कराना है लिप टंग का एंड लेफ्ट एंड राइट मोशन में इस तरह से कराना है। जब बच्चा ये करने लग जाएगा उसके बाद हमें टंग रोटेशन करवाना है। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ऑलराइट, टंग अप, टंग डाउन, टंग लेफ्ट, टंग राइट एंड देन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज द पैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, टंग आउट, टंग इन। इस तरह से फिर हमें इंस्ट्रक्ट करना है बच्चे को टंग के, टंग को जो टिप होती है इस पे टच करना है, ल ल, तो इससे ल की साउंड तो इस तरह से टंग को इस पोर्शन पे टच करवाना है। ये एक एक्सरसाइज होती है। द नेक्स्ट एक्टिविटी इज कि आपने कोई भी स्पून लिया, अभी मैं पेन से करके दिखा रही हूँ, स्पून लिया और उसको टंग को बाहर निकालने के लिए कहा और फिर बच्चे को कहना है कि टंग से ऊपर की तरफ प्रेशर दे पेन पे और आप स्पून पे और आपने उससे नीचे दबाना है, तो इससे भी टंग की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। दिस इज़ अ ग्रेट एक्सरसाइज, जिससे ये जो टंग मसल्स हैं ये स्ट्रेंथन होती हैं और बच्चे को इन सब एक्सरसाइजेस से अवेयरनेस आती है कि हाँ, ये टंग के ये पार्ट्स हैं और मुझे कैसे मूव करने चाहिए और कैसे उसको कोऑर्डिनेट करना है विद अदर मसल मूवमेंट्स। तो ये टंग की एक्सरसाइजेस बेसिक एक्सरसाइजेस हैं, मैं अब आपको बच्चे के साथ करके दिखा रही हूँ, क्योंकि देखिए ये तो मैं कर रही हूँ तो मैं बड़ा इजीली कर रही हूँ तो लगता है कि हाँ ये तो कर ही लेंगे, लेकिन बच्चों के साथ कैसे करवाना है बिकॉज दे डोंट नो कि टंग बाहर निकालो और उनसे निकलवाना ही एक बड़ी अपने आप में महाभारत है, तो वो कैसे करना है वो अब हम देखते हैं। देखो हाँ, नाउ हियर इस साइड, शाबाश। अब यहाँ नीचे, हाँ यहाँ ऊपर 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 ऊपर,
अब इस एक्सरसाइज में ये जो पॉप्सिकल स्टिक है, आइसक्रीम स्टिक है, इस पे मैंने शहद लगा दिया है, हनी, आप कोई भी एक्स वाई जेड चीज़ लगा सकते हैं एज ए री इन्फोर्सर जो बच्चे को पसंद हो। देखिए हनी इज़ एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, तो अगर उसको मैं देती हूँ तो उससे बच्चे की हाइपर एक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं होगी। हम लोग चॉकलेट सिरप का यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ एंड नंबर ऑफ थिंग्स, जैम्स का यूज़ कर सकते हैं, बट दे कंटेन हनी और उससे बच्चे की हाइपर एक्टिविटी इंक्रीज़ होने का डर रहता है, तो आई प्रेफर ऑर्गेनिक हनी। तो उसमें क्या हुआ, मैंने यहाँ पर टंग पे लगाया तो बच्चे को ये रहेगा कि ही हैज़ अ री इन्फोर्सर, कि अगर वो यहाँ टच करेगा निकाल कर तो उसको कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है और वो मोटिवेट होगा उस मोमेंट को करने के लिए। तो अदरवाइज क्या होता है, दे डोंट डू इट, तो वो मोटिवेशन, वो रीइन्फोर्सर आपने उसको देना है, वो पॉप्सिकल स्टिक को यहाँ रखा और उससे टच करवाना है, देन इधर टच कराना है, ऊपर टच कराना है, नीचे टच कराना है। पहले आपने डिस्टेंस कम रखा, अब जब धीरे धीरे बच्चा करने लगे, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा दिया, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा दिया, तो इससे बच्चे की टांग की एक्सरसाइज हो जाती है। जब ये फोर मोशन करने लगेगा तो अब हमने रिवॉल्विंग मोशन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज कराना है, तो इसमें हम लोगों को टाइम लग सकता है, इट कैन टेक 15 डेज टू अ मंथ। तो ये नहीं है कि एक ही दिन में बच्चा कर देगा, देखिए उसको टंग निकाल के बाहर टच करने वाला कॉन्सेप्ट समझ में आने में ही बहुत टाइम लग जाता है। वंस दे गेट द फील कि हाँ ये ऐसे करना है, दे डू इट प्रॉपरली। तो इस तरह से नंबर वन टंग एक्सरसाइज कराना है। इस एक्टिविटी से मैं पॉप्सिकल स्टिक से प्रेशर दे रही हूँ और बच्चे को ऊपर की तरफ फोर्स लगाने को कह रही हूँ, तो इससे भी जो टंग की रिजिडनेस है वो ख़त्म होती है, आर्टिकुलेशन में, ड्रूलिंग में, चूइंग में हेल्प आउट होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी कि टंग को बच्चे को फोल्ड करना सिखाना है, लाइक दिस, तो वो बच्चों को नहीं आता है और हमें उसको हेल्प आउट करना होता है विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेस। अब उसके लिए मैंने पॉप्सिकल स्टिक से हेल्प आउट लिया है, बच्चे को नीचे से मैंने पॉप्सिकल स्टिक से प्रेशर दिया और बच्चे की टंग को फोल्ड करना सिखाया। वो एकदम से नहीं करेंगे, हमें बार बार उसको करना पड़ेगा और प्रैक्टिस कराना होगा जब तक वो इंडिपेंडेंटली ना करने लगे। तो ये सारी एक्सरसाइजेज हैं, टंग एक्सरसाइजेज मैंने आपसे शेयर किया, टंग को बाहर से करवाना है और मैनुअली हमें करवाना पड़ता है जब बच्चे की बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बच्चे की इमिटेशन नहीं है, तो वो सब हमें कराना है। कितनी बार कराना है, 5-5 काउंट ईच। देखिए अगर हम टंग एक्सरसाइजेस करा रहे हैं साथ में साउंड प्रोडक्शन भी कराएंगे तो बेटर रहेगा, अगर बच्चा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो तो उसे साउंड्स भी को भी हम मोटिवेट करें कि बच्चा साउंड्स प्रोड्यूस करे। और कितने काउंट तक कराना है, 5 काउंट ईच। कितने टाइम कराना है दिन में, सुबह शाम दो टाइम कराएंगे, वेल एंड गुड, वरना मिनिमम 1 टाइम तो हमें कराना ही कराना है, ठीक है। तो ये सारी बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब आता है एडवांस टंग एक्सरसाइजेज, जिसमें बच्चा कब करेगा, जब बच्चे की ये बेसिक एक्सरसाइजेज आप करा चुके हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग आ गई है, बच्चे की इमिटेशन है, कमांड फॉलोइंग है और थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तो नेक्स्ट टंग एक्सरसाइजेज क्या होगा, उसमें आप नहीं करवा सकते, बच्चे को खुद आपको देख के इमिटेट करना होगा। तो उसमें सबसे पहली एक्सरसाइज किया है, आपने उसके चीक्स पे फिंगर रखा और उसको कहा अंदर से टंग पे इस पे प्रेशर डालना है, आपने बाहर से दबाना है, लाइक दिस, ठीक है, इसी तरह से इधर। तो दिस इज वन एक्सरसाइज, 5 काउंट तक हमें ऐसे करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, टंग को अप डाउन मोशन में लेकर आना है, दिस इज नंबर सेकेंड एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो टंग रोटेशन माउथ के अंदर से करना है। तो ये क्या है, इसमें आपको मल्टी बेनिफिट क्या रहता है, जब यहाँ की आप एक्सरसाइज करा रहे हैं तो चीक्स की भी एक्सरसाइज हो रही है, टंग की भी एक्सरसाइज हो रही है, और जब आप इस एरिया पे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज करा रहे हैं तो टंग के साथ साथ बच्चे की अवेयरनेस बढ़ रही है अबाउट लिप क्लोजर, अबाउट टीथ और उन सब पार्ट्स की भी एक्सरसाइज हो रही है। तो ये एडवांस लेवल रहता है ओरोमोटर एक्सरसाइजेज में, टंग एक्सरसाइजेज में। तो ये मैंने बेसिक, बहुत बेसिक शेयर किया है, इट विल हार्डली टेक 2 मिनट्स और 3 मिनट्स अगर हम लोग डेली फॉलो कर रहे हैं उसको, बट इसके रिजल्ट्स और जो इम्प्रूवमेंट हम लोग देखेंगे बच्चे में बहुत अच्छी रहती हैं। तो दीज आर टंग एक्सरसाइजेज इन ओरोमोटर इशूज़।
तो आज हम लोग ये शेयर किया है, अगर आपको अच्छा लग रहा है कीप शेयरिंग, क्योंकि शेयर जितना हम लोग ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिलेगा, मैक्सिमम रीच होगी। देखिए लोगों को नॉलेज नहीं होती है जिसकी वजह से बच्चों में इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाती, एंड दीज आर वेरी बेसिक एक्टिविटीज़ आई एम शेयरिंग, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स के थ्रू मतलब मुझे भी फीडबैक दीजिए। येस आई एम गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, सो वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस चैनल को ग्रो कराने का, बिकॉज आई थिंक आई एम नॉट सेइंग कि आई एम अ थेरेपिस्ट, देखिए आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट, आई एम जस्ट अ मदर, बट मैंने इस अपनी जर्नी में इतना कुछ सीखा और इतना कुछ लर्न किया है जो मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो जितने ज़्यादा लोगों तक वो चीज़ पहुँचेगी उतने ज़्यादा लोगों को वो बेनिफिट होगा। सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप कमेंटिंग। थैंक यू सो मच।